करें तो यूपी के 5 जिले कोरोना मुक्त घोषित कर दिए गए हैं, जबकि 40 जिलों में लॉकडाउन के हालात असंतोषजनक पाए गए हैं। इन जिलों में अब आपको बता दें कि लॉकडाउन से किसी तरह की छूट मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। 11 बजे हालांकि मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं, शुरुआत हो चुकी है बैठक की, क्या फैसला सामने आता है इस पर भी नजर रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लॉकडाउन है और इन सबके बीच एक बहुत बड़ी खबर ये आई है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 40 जिलों में लॉकडाउन को असंतोषजनक पाया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि यूपी के 40 जनपद ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन ठीक से जिसका पालन नहीं कराया जा पा रहा है और इसकी वजह से लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक पत्र में तमाम पुलिस अधिकारी और उत्तर प्रदेश के DGP को भी ये पत्र भेजा गया और उसमें इस बात पर नाराज़गी जाहिर की गई है कि यूपी में 40 जिलों में लॉकडाउन संतोषजनक नहीं है, यानी कि वहाँ पर दुकानें भी खुल रही हैं, लोगों का आवागमन भी है और जिस तरीके से सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाना चाहिए वो शायद नज़र नहीं आता है, क्योंकि कमोवेश इस तरीके के नज़ारे हम लोग देखते हैं कि लोग सड़कों पर निकल आते हैं ज़रूरी सामान लेने के लिए ही सही, लेकिन लोग निकलते हैं बाहर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाना चाहिए शायद वो नहीं हो पा रहा और इसी वजह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयार की गई है, इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया, इस बात पर नाराज़गी जाहिर की गई है कि आखिर यूपी के 75 में से इन 40 जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन क्यों नहीं करवाया जा रहा है और शायद अब इस रिपोर्ट आने के बाद कुछ और सख्तियां भी देखने को मिले, लॉकडाउन का और सख्ती से पालन कराया जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ माना श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।